अलग रखेंगे हाँ, मतलब और आग हो जाएगी हाँ, इसके बाद लिट्टी बनेगी, आज लिट्टी चोखा खाया जाएगा, इसके बाद तो यहाँ पे बनने जा रहा है आज लिट्टी चोखा, चोखा बाटी जो भी बोलिए। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है मसाला रेडी करने, तो ये है सत्तू और उसमें डाल दिया है मम्मी ने ऑलरेडी मिर्ची हरी कटी हुई, और ये ऑनियन गार्लिक और जिंजर मतलब प्याज लहसुन और अदरक कटा हुआ है बारीक, और ये है अजवाइन, ये है नमक, और ये है अचार ढेर सारा, और अभी मम्मी जाएंगी इसको मिक्स करेंगी, तो देखते हैं क्या क्या डालती हैं वो, स्पाइसी बनाती हैं, थोड़ा खट्टा भी रहता है। तो यहाँ पे मम्मी ने डाला है ये लहसुन, और अभी इसमें डालेंगी लहसुन काफ़ी सारा पड़ता है तो उसी के लिए था, तो लहसुन के बाद में अब डालेंगी इसमें अदरक थोड़ा सा और ऑनियन कटा हुआ डालेंगी। तो ये है प्याज कटा हुआ बारीक, तो आधा इसमें डालना है और आधा भरते के लिए है, तो ये हो गया, और अभी इसको अच्छे से मिलाएंगी। तो अभी इसमें डाल रही है अजवाइन, और ये डाला है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए आप। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में अब ये डाल रही है अचार का जो तेल था वो, और इसमें जाएगा आम का अचार, और मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो ये अच्छे से इसको अचार को अच्छे से वो मैश करके तब डालना है। तो ये सारा हो गया अचार का मसाला और आम का अचार, और अब इसको अच्छे से मिलाएंगी ताकि ये जो काफ़ी खट्टा और मतलब जायकेदार होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं चटपटा होना चाहिए, तो ये अच्छे से मसाले में मिला देना है इसको इस तरीके से। पे ये है आटा लगाने के लिए, तो उसमें अजवाइन डाला है और थोड़ा सा नमक और आटा है ये, तो ये लिट्टी के लिए आटा लगाएंगे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, और अभी शाम के बज रहे हैं, आई थिंक 6 बज गया, तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, हाँ तो बहुत गर्मी है, तो अभी जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, ऊपर सबसे ऊपर टेरेस पे, वहाँ पे आज हम लोगों का प्रोग्राम था लिट्टी चोखा बनाने का, तो लाइट नहीं ऑन है, तो वही जा रही हूँ ऊपर, देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं ऊपर। नीचे सारा मैंने रेडी कर दिया है, बाकी का काम आपने लगता है सीढ़ी चढ़ते हुए, तो अभी जाना है ऊपर और वहाँ पे जाके वो बनाना है, लिट्टी बनानी है खाली, नीचे सारी सारा कुछ कर दिया। और चोखा के लिए जो होता है वो बैंगन और ये क्या कहते हैं, बैंगन और टमाटर और आलू, उसको क्या करना है आग में भूनेंगे, उसका भरता बनाएंगे और लिट्टी बनाएंगे। तो जो लिट्टी में मसाला भरते हैं वो मैंने नीचे रेडी कर दिया है, और अभी ऊपर देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं, चलिए लेके चलती हूँ आपको। जला दिए, अच्छा तो ये देखिए पापा ने आग जला दी इसमें, और अब भी इसमें बनेगा भरते के लिए बैंगन और आलू और टमाटर, टमाटर भूनेंगे पहले, हाँ भून के अलग रखेंगे, हाँ तो और आग हो जाएगी, हाँ इसके बाद लिट्टी बनेगी, आज लिट्टी चोखा खाया जाएगा, इसके बाद चोखा बनवाएंगे, हाँ नामू नामू खाएंगे तो आज का डिनर है लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा है ही है, हाँ। लेबर बन के करिए और बात खा बन के खाइए, हाँ। तो अभी ये आग बनेगी तब इसमें डाला जाएगा ना, ये आग बन जाएगा, बन जाएगी तब डालेंगे इसमें, आग बन जाएगी, अच्छा
तो तब तक मैं दिखा देती हूँ आपको पूरा नज़ारा। ये देखिए ये है वो जो सामने दिख रहा है आपको, वो पनकी पावर हाउस है। पानी भरेगा वो, साउंड लगाया मैंने। और ये लगा दिया मैंने। ये है बच्चे खेल रहे नीचे डाउन में, ये देखिए। तो अभी क्या है ना, जाने का टाइम हो रहा है, मतलब वापस बेंगलोर जाने का समय आ रहा है। और तो पापा ने बोला चलो आज लिट्टी चोखा खिलाते हैं सबको, तो हस्बैंड भी यहीं पे थे, तो हम लोग सोचे चलो आज लिट्टी चोखा का मज़ा लेते हैं। और छत पे बना रहे हैं हम लोग, तो बस अब वापस जाने का आ रहा है समय और मन नहीं कर रहा जाने का, जबकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी है, फिर भी मन नहीं कर रहा जाने का, रुकने का मन कर रहा है, क्योंकि फिर मुझे पता है मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। भाई चला गया, भाभी भी चली गई। हाय करो, और शिवू न्यू न्यू बॉटल दिखाओ ना, न्यू बॉटल दिखाओ, बॉटल दिखाओ, ये है ना। तो यहाँ पे आग जला दी थी, और अभी इसमें भरता के लिए जो बैंगन और आलू रखा है, ये इसको आग में भूनेंगे और उसके बाद इसका बनाएंगे भरता। तो बैंगन का भरता हो जाएगा, इसमें टमाटर, बैंगन और थोड़े से आलू डालेंगे, काफ़ी सारे ले आए, बट जत आधा डालूंगी मैं। तो यहाँ पे आग अच्छे से जल जाए और तब जाके इसमें मैं डालूंगी ये सारी चीज़ें, और इधर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैंगन पक गया था, आलू और बैंगन ये सारा, तो मैंने पानी में डाल दिया था पहले, ताकि इसका जो कवर होता है निकालने में आसानी होता है। तो पानी में डालने के बाद में बैंगन तो मैंने छील लिया है, और अभी इसको सबको अच्छे से मैश करेंगे अच्छे से, और उसके बाद भरता बनाएंगे और कच्चा ही रखेंगे इसको। और इसमें मिर्ची और क्या कहते हैं लहसुन वगैरह तो मैंने इसमें ही डाला था, बैंगन को कट करके अंदर भर दिया था, तो वो पक गया है। और ऊपर से खाली इसमें प्याज और ये सारा कुछ डालूंगी, उसके बाद भरता हो गया रेडी। तो ये प्याज कटा हुआ डाल दिया है, और अभी इसमें डालूंगी ऊपर से ये हरा धनिया, और इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। धनिया को अच्छे से डालना है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा धनिया डालना, और हस्बैंड को भी पसंद है। और अब इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट, नमक टेस्ट के अनुसार। एक्चुअली मैं मुझे बनाना नहीं आता है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं बनता उतना ज़्यादा, बिहार की ये डिश है, बट हम लोग बाहर रहे हैं बचपन से, तो हम लोगों ने खाया है ये सारा कुछ। तो पापा को मम्मी को बहुत पसंद है लिट्टी चोखा, तो ये इसलिए हम लोग जब भी कभी जाते हैं तो पापा का बहुत मन होता है, क्योंकि लिट्टी चोखा ऐसी चीज़ होती ना, आप परिवार के साथ बैठ के खाओ तभी मज़ा आता है, अकेले मन नहीं लगता खाने में। तो हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला चलो आज बनाते हैं। तो ये हमारा भरता हो गया रेडी, और ऊपर से मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, तो अभी बस सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे लिट्टी बन रही है, आई थिंक मम्मी नहीं थी और इन लोगों ने बनाया, मम्मी ने बना के मतलब
डाला दिया होगा। आग काफ़ी ज़्यादा थी तो कुछ लीटी जल गई थी, और इधर मम्मी बनाने में लगी पड़ी है और मैं भी बनवा रही हूँ साथ में। तो ये मसाला जो होता है लीटी का, ये मम्मी ने रेडी किया था और अभी इसको इसके अंदर स्टफ करके और फिर लीटी आग में ये बनाई जाएगी। तो हम लोग जैसा बना पाते वैसा बनाया है, उतने परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ स्वाद अच्छा आता है खाने में, बस यही है। तो ये सारी बना लूँगी, उसके बाद में आग में सेकना है इसको। तो यहाँ पे मम्मी आग में ये लिट्टी जो है वो अच्छे से सेक रही हैं ताकि अंदर से पक जाए अच्छे से, क्योंकि ये मोटी होती है ना, इसकी लोई तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए धीरे धीरे अच्छे से जब आग हो गई थी फिर उसको धीरे धीरे बार बार पलटाते रहना ताकि जल ना जाए। तो इस तरीके से लिट्टी हमारी बन के रेडी होने वाली है। अभी सब लोग बैठ के खाना खाएँगे जाके नीचे। तो चलिए बन जाए पूरी लिट्टी, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। सारी बन गई लिट्टी सारी, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो फ़ैन ऊपर लगा हुआ है और हवा भी अच्छी आती है, तो यहीं पे हम लोग बैठ के खाएंगे। तो सबसे ऊपर वाले छत से हम लोग आ गए नीचे, और यहाँ पे खुला खुला है पूरा छत, तो अच्छा लगता है खाना खाने में। लाइट वाइट भी है, सब कुछ सुविधा है, तो इधर ही बैठ के हम लोग चटाई डाल के बैठे हैं और यहीं पर खाना खाएगा सब लोग। तो यहाँ पर हमारी बन गई है तड़के वाली दाल, और तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मम्मी, हम और यशी बचे थे क्योंकि पापा और हस्बैंड खा चुके हैं, उन लोग मतलब लेट हो गया था तो उन लोगों को पहले खिला दिया, और अब हम लोग बचे थे तो वही डिनर का मज़ा ले रहे हैं। बहुत यम्मी बना था। तो गाइस फाइनली डिनर हो गया, और थोड़ा लेट हो गया था इसलिए मैंने ब्लॉगिंग पूरी कम्प्लीट नहीं कर पाई, मतलब सर्व करते समय मैं वो शूट नहीं कर पाई, और जल्दी था खाने को और थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली में क्या है कि आप जब कोई ऐसी चीज़ बनाते हो ना, मतलब कुछ स्पेशल, तो उसमें टाइम लगता है, लिट्टी चोखा में थोड़ा टाइम लगता है, दाल भी बनाई थी, थोड़ा टाइम हो गया था, और इसलिए पापा को टाइम से खाना चाहिए, हस्बैंड को भी टाइम से खाना चाहिए, तो थोड़ा लेट हो गया था, 9:30 बज गया था। तो जल्दी जल्दी उनको मैंने खाना लगा के दे दिया, तो वो लोग खा रहे थे, इस वजह से मैं फिर सूट नहीं की, और बाद में मैं, यशी और मोटी लड़का और मम्मी बचे थे, तो वो लोग अभी खाए, वो लोग नीचे चले गए खा के, अभी हम लोग भी खा चुके हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी लिट्टी, और वो मैं आपको दिखा नहीं पाए, सॉरी। तो पापा कह रहे थे तुम्हारे जाने तक एक दिन और बनवाएंगे, तो हम बोले हम नहीं बनाएंगे, बहुत लफड़ा वाला काम होता है, देखते हैं अगर वो बनाने के लिए करेंगे तो फिर एक दिन बनाएंगे, तो अच्छे से मैं सूट करूँगी। और खाना वाना हो गया, और मेहनत लगी थी तो खाना बहुत अच्छा बना था, लिट्टी बहुत अच्छी बनी थी, बढ़िया सा घी डाल के सूट ढेर सारा खाया, आज घी खाया है खूब सारा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। और अगर ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।